Now we are starting question number 3, exercise 13.2, class 12, probability chapter, काफी easy chapter है. यहाँ पर हमें बताना है कि एक box, तब वो pass हो जाएगा, select हो जाएगा, अगर उसमें से निकाले गए जो संतरे हैं, तीनों के तीनों सही आ जाएं. इसको मैं 12 के NCERT syllabus के according वाले method से करके आपको समझाऊंगा. इसके कई सारे method हैं, but मैं use करूंगा आपके board exam से related method को. तो यहाँ पर हमारे पास जो good orange है, वो 12 है. और जो बैड ऑरेंज है वो 3 ऑरेंज है. तो आपका बॉक्स कब सिलेक्ट होएगा? जब आपके तीनों के तीनों ऑरेंज कितने हो जाएंगे, वो सारे के सारे सही जाएंगे. तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि आपके तीनों ऑरेंज गुड चले गए. प्रोबेबिलिटी तीनों ऑरेंज गुड चले गए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि प्रोबेबिलिटी आपका पहला ऑरेंज गुड आया है मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी आपका जो दूसरा ऑरेंज है वो भी गुड आया है. गिवन पहला गुड था. बात समझ रहे हैं? आ रही बात समझ में? यानी कि दूसरा ऑरेंज गुड आया है, गिवन पहला वाला गुड था, और प्रोबेबिलिटी कि पहला तीसरा वाला जो ऑरेंज है वो गुड आया है, गिवन आपका जो दो ऑरेंज थे वो गुड थे. बात समझ रहे हो? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें इसको यहाँ पर सोल्व करना है. तो प्रोबेबिलिटी पहला वाला ऑरेंज गुड था, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 12/15. प्रोबेबिलिटी दूसरा वाला ऑरेंज गुड रहेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है, उसने वापस तो रखा नहीं, अपनी जेब में रख लिया, तो 11 गुड रह गए और टोटल भी 14 रह गया. और प्रोबेबिलिटी कि तीसरा वाला भी गुड होगा, अब आपके पास केवल 10 गुड रह गए और टोटल 13 रह गए. 4 3 जा और इसे आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो 3 4 जा और 3 5 जा, 5 2 जा, यहां से आप इसे कट कर लीजिए, ठीक है? अच्छा, और 2 2 जा, यहां से कट करो, 2 7 जा, तो आपके पास कितना हो गया? 44/91. तो बिल्कुल सिंपल है, आसान था, फिर भी हमने यहाँ पर जो डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी वो इसलिए कि आप इसको सोल्व करते वक्त जो आपका अपना मेथड है उसको मत यूज करिए. 12th क्लास के मेथड को, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसको यूज करिए, अदरवाइज आपको 12th क्लास में मार्किंग में दिक्कत आ सकती है. टीचर वहां पे अगर आप अलग हटकर मेथड को यूज करते हैं तो केवल क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते, नंबरिंग उस पे नहीं होती है. तो इसलिए उसी मेथड को एप्लीकेबल करिए जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, बस उसको थोड़ा आसान करने की कोशिश करिए, लेकिन रहिए उसी मेथड में. आई होप ये समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा. अगर ऐसा कुछ है तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच.